मैंने अपने ट्विटर पर भी शेयर किया है और यहां भी आपको बता रहा हूं, विवेक रंजन अग्निहोत्री का एक ट्वीट है जो इस समय काफी चर्चा में है और ये ट्वीट उन्होंने किया है न्यूयॉर्क टाइम्स की एक पत्रकार के बारे में। विवेक रंजन अग्निहोत्री लिखते हैं, हेट कैंपेन ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स एक्सपोज, सिंस इट्स अ मैटर ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड्स नाउ आई एम पोस्टिंग फ्यू स्क्रीनशॉट्स ऑफ माय क्वेश्चन एंड आंसर विद सुहासिनी राज ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स ऑन 29 अप्रैल, सी हाउ आई न्यू अबाउट देयर इविल डिजाइन, प्लीज जज योरसेल्फ हाउ मेलिशियस ब्राउन कुलीज लाइक सुहासिनी आर वर्किंग टू डिवाइड इंडिया। इसमें सुहासिनी का एक सवाल है, वो लिखती हैं, ऑफ द 700 टेस्टिमोनीज यू मेंशन, कैन यू टेल अस हाउ मेनी हिंदूज एंड हाउ मेनी मुस्लिम्स आउट ऑफ दोज रफली, थैंक्स। जिसका जवाब बहुत सही दिया है विवेक ने। वो लिखते हैं, व्हाई इज न्यूयॉर्क टाइम्स लुकिंग एट अ ह्यूमन ट्रेजेडी फ्रॉम अ कम्युनल एंगल, कांट इट थिंक बियॉन्ड हिंदू मुस्लिम सिख्स बुद्धिस्ट दलित्स गुजर्स एंड इवन क्रिश्चियंस वर किल्ड, डोंट दे मैटर टू यू, I find your question very objectionable, an attempt to lead to a communal narrative, and therefore I refuse to participate in such narrative. सीधे तौर पर उनसे सवाल पूछा जाता है कि जितने लोग मारे गए थे उसमें हिंदू कितने थे और मुस्लिम कितने थे। बहुत गलत सवाल पूछा गया है, इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं मैं, जो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी लगाया है। और सीधे तौर पर वो लिखते हैं, टू मी एनीवन हु इज किल्ड इन टेररिज्म इज अ विक्टिम irrespective of religion, region, caste or creed. New York Times has already damaged India's image in a prejudiced reporting a lot and I beg you to refrain from it for humanity's sake. I am surprised that despite being an Indian, you are promoting New York Times' vicious agenda against India shame. ये सीधे तौर पर सारे ट्वीट्स हैं जो उन्होंने लगाए हैं, आप जाकर पढ़ सकते हैं, मैंने भी इसे रीट्वीट किया है। और एक बार आप फिर से देख रहे हैं कि कैसे एक तयशुदा एजेंडा चलाया जाता है ऐसे लोगों के खिलाफ जो सच बोलने की कोशिश करते हैं। आप एक पत्रकार के सवाल को ध्यान से सुनिए कि वो जाति के आधार पर जान रहे हैं। अब आप बताइए कि क्या कोई विक्टिम जो टेररिज्म का विक्टिम है उसे हम धर्म के आधार पर संबोधित करेंगे या जानेंगे या समझेंगे? क्या टेररिज्म का विक्टिम एक विक्टिम नहीं होता? क्या ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके आगे सरनेम क्या लगा है? ये बहुत गंदा और भद्दा सवाल है और निश्चित तौर पर इसकी निंदा होनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि हम समझ सकें कि कैसे देश दुनिया में इस तरह के एजेंडास चलाए जाते हैं। और मुझे दुख है कि खुद को पत्रकार कहने वाले लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं। उनके लिए ये बहुत जरूरी होता है जानना कि जो मारा गया वो हिंदू है या मुसलमान या उसका रीजन क्या है, जबकि एक इंसानियत के नाते किसी भी विक्टिम का धर्म महत्व नहीं रखता है। विक्टिम विक्टिम होता है और अगर हम उसको धर्म के नजरिए से तोलना शुरू कर दें तो फिर हम में और उन टेररिस्ट में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे बताइए ताकि हम समझ सकें कि आप लोग इसे इस तरह के मुद्दों पर अपनी क्या राय रखते हैं। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं।